लेकिन मेरा ये स्पष्ट मत है कि जिस प्रकार के सर्वे आदि आ रहे हैं वो बहुत ही बड़ा चढ़ाकर दिखाए जा रहे हैं। जिस प्रकार 2004, 2009 में गलत साबित हमने किया था सर्वे, उसी प्रकार इस बार साबित करेंगे। ऐसा नहीं है, मैं असल में गोवा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश का और आंध्र प्रदेश का इंचार्ज रहा हूं, अभी भी हूं। और चूंकि आंध्र प्रदेश के विभाजन की परिस्थितियां जो बनी उसमें ज़्यादा समय मुझे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में देना पड़ा, और इसी बीच में मध्य प्रदेश में भी कैंपेन मुझे करना पड़ा, हालांकि मैं सभी जगह नहीं जा पाया। लेकिन उत्तर प्रदेश ज़्यादा सवाल है, जहाँ जहाँ मुझे बुलाया गया मैं वहाँ गया था। पिछली बार उत्तर प्रदेश का मैं चूंकि इंचार्ज था इसलिए ज़्यादा समय में ऐसा नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी तो है, लेकिन कोई मोदी जी की लहर जो आप बता रहे हैं, मुझे मोदी जी की लहर नज़र नहीं आई। लेकिन एक अजीब सी स्थिति बनी है, भारतीय जनता पार्टी और सारे बड़े भाजपा के लीडर अब पीछे हो गए हैं और केवल मोदी जी को आगे कर दिया गया है। जो पार्टी अपने संगठन पर गर्व करती थी, अब टोटली व्यक्तिवादी रणनीति पर उतर आई है। और वहाँ पर भी जिसने बहुत अच्छी बात कही है, जहाँ तक मोदी जी का सवाल है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हर व्यक्ति अपनी रणनीति बनाता है, अपना प्रचार करता है। लेकिन मनी और मीडिया दोनों रिलेटेड हो गए हैं। मेरा अंदाज़ा है कि जहां कांग्रेस का 1 रुपया खर्च हुआ, वहीं भाजपा का 6 से 7 रुपया खर्च हुआ है। जी हाँ, अच्छे दिन आने वाले हैं। डीजल 20 रुपया लीटर हो जाएगा, टंकी 100 रुपया टंकी हो जाएगी और महंगाई कम हो जाएगी, सबको बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। ऐसा आपको याद है, टाट वाले बाबा ने पार्टी चलाई थी, सतयुग आएगा। निर्मल बाबा भी कहते हैं अच्छे दिन आ